जब यात्रा गांव लजवाना में पहुंची तो वहां पर हजारों की संख्या करोड़ों संख्या में महिलाओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। आप देख सकते हैं सचिन के गांव में पहुंचकर बिल्कुल महिलाएं भावुक हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं ये घर वही सचिन लजवाना का घर है जो ने कर ली थी। आप देख सकते हैं कि जब यात्रा सचिन लजवाना घर पहुंची तो उसकी बहनें यहां पर आई हुई जो बिल्कुल भावुक हो चुकी हैं। साथियों, ये सचिन लजवाना का मकान है और इस घर में से ये 22-23 साल का नौजवान हमारे बीच से चला गया। ओ भगत सिंह का साथियों, भाई सचिन लजवाना, भाई सचिन लाठर। आप देख पा रहे हैं जो भाई सचिन लाठर था उसका मकान है, उसकी चार बहनें बताई जा रही हैं जो बिल्कुल भावुक हो चुकी हैं। इस यात्रा में साथ चली महिलाएं बिल्कुल उनको सांत्वना दे रही हैं कि उनका भाई मरा नहीं, बिल्कुल अमर हुआ है, शहीद हुआ है। ये आप देख सकते हैं यात्रा के अंदर जितने भी महिलाएं जा रही थी वो सभी महिलाएं सचिन के घर वालों से मिलकर भावुक हो चुकी हैं। परिवार के सदस्यों जद भी यात्रा में चल रही महिलाएं मिली तो वो बिल्कुल भावुक हो चुकी थी। ये आप देख पा रहे हैं कि ये जो घर है ये सचिन का घर है, मगर जो यात्रा सचिन के घर वालों के आगे से गुजरी तो वहाँ पर आप देख सकते हैं जब परिवारजन यात्रा की महिलाओं और बुजुर्ग और नौजवान साथियों से मिले तो बिल्कुल भावुक हो गए। ये आप देख सकते हैं ये सचिन की बहनें हैं जो बिल्कुल यात्रा में जो परिवार के पूरे सदस्य इस यात्रा में साथ चल पड़ी है। सचिन के घर से उसकी बहनें बिल्कुल आप देख पा रहे हैं लजवाना कला में जब ये यात्रा पहुंची तो बिल्कुल उसके परिवार के सभी सदस्य, उसकी चार बहनें हैं, सभी बहनें बिल्कुल इस यात्रा में साथ साथ चल रही हैं। और भाई हमारी सिर्फ एक जिम्मेदारी है, इस व्यवस्था को आगे बढ़ा के रखा। इस योजना के खिलाफ ये आप देख पा रहे हैं कि ये जो महिलाएं देख पा रहे हैं ये सचिन के परिवार से, ये जो महिला ये सचिन की बहन है, आप देख पा रहे हैं कि ये बिल्कुल जब ये यात्रा गांव लजवाना में पहुंची तो उसकी बहनें बिल्कुल भावुक हो गई थी, मगर इस यात्रा को देखकर उनका जो एक हौसला बढ़ा। उनका कहना है कि उनका भाई मरा नहीं, सही जो सरकार की जो ये TOD योजना है इसके खिलाफ उसके भाई ने अपना बलिदान किया।